जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। जून महीने से पेंशन में भारी बढ़ोतरी का समय आ चुका है। आपको बता दिया जाए कि 2024 में धमाकेदार ऐलान किया है और कहा था कि 6,000 रुपये आएंगे सभी के खाते में। फिलहाल हरियाणा में अभी तक बुजुर्गों के खाते में 3,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन आ रही थी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 2750 रुपये बुढ़ापा पेंशन की बढ़ोतरी पिछले 2023 अप्रैल में किया था 2023 में और अप्रैल महीने में किया था। और वहीं अब नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं, जिन्होंने पहले दिन में ही बुढ़ापा पेंशन में 250 की बढ़ोतरी कर दी थी। लेकिन अब हरियाणा के नायब सिंह सैनी ने इलेक्शन के बाद में फिर से पेंशन बढ़ोतरी का निर्णय लिया था, जिसमें 6,000 रुपये एक साथ बुजुर्गों को पेंशन दी जाएगी। हरियाणा में नायब सिंह सैनी ने ये आदेश देते हुए कहा है और लेटर पैड में साइन भी किया है कि बुजुर्गों को जून महीने की जो पेंशन होगी वो जुलाई में आएगी और जुलाई से सभी के खाते में सीधा 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन ट्रांसफ़र की जाएगी। लगातार हरियाणा में बुजुर्गों के खाते में 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन ट्रांसफ़र करने के आदेश दे चुके हैं, लेकिन ये पेंशन 6,000 आप सभी लोगों को जुलाई महीने में 15 जुलाई से देखने को मिलेगी। हरियाणा के नायब सिंह सैनी ने ये भी कहा है कि 60 वर्ष से ऊपर जो वृद्ध हैं उन संरक्षकों को भी पेंशन के तौर पे 2750 नहीं, उनको भी 3,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन के तौर पे दी जाएगी।